दुल्हा दुल्हन के लिए शादी उनके जीवन का सबसे यादगार पल होता है, लेकिन मजेदार रीति रिवाज और प्यारे मेहमानों के बीच अतरंगी कारनामे ना हो तो भाई शादी में मजा कैसा। और अगर अतरंगी कारनामे होने के साथ वो कैमरे में कैद हो जाते हैं तो ये मजेदार घटनाएं दुल्हा दुल्हन के साथ हम सब के लिए भी यादगार हो जाती हैं, जिन्हें देख हम पेट पकड़कर हंसने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हिंदी वाइब्स पर आज हम आपके लिए कैमरे में कैद ऐसी ही फनी वेडिंग मोमेंट्स लेकर आए हैं, जिन्हें देख आपकी हंसी रुकने से नहीं रुकने वाली। साथियों, सबसे पहले हम आपको डांसर ऑफ द ईयर हमारे मेंढक भैया से मिलवाते हैं। पागल हो गया ये आदमी। अरे भाई, मेरे भाई, डांस का मतलब अपने पूरे शरीर को झंझोड़ के रखना नहीं होता। इस पगलट ने बालों से लेकर पैर के नाखून तक अपने पूरे शरीर को हिलाकर रख दिया। और मजे की बात तो ये कि वहाँ खड़े सब लोग इस आदमी को प्रभु देवा समझ रहे हैं। भाई, आप लोग ही ऐसे खतरनाक वायरस को बढ़ावा देते हो, फिर कहते हो सावधान रहो। अबे गधा प्रसाद, मत कर जिंदगी से खिलवाड़, वरना तू भी बन जाएगा हार्ट अटैक का शिकार, चल भाग। शादी में मजाक मस्ती तो होती रहती है, लेकिन कोई इस तरह का मजाक कर सकता है? ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। दरअसल यहाँ रस्म चल रही थी जिसमें दो लड़के कपड़ा लेकर खड़े थे और एक लड़की रस्म निभा रही थी, लेकिन तब अचानक से इन दोनों में से एक लड़का तेजी से कपड़े को खींचता है और दूल्हे के पीछे खड़ा लड़का मासूम हंसते हुए दूल्हे और दुल्हन पर आ गिरता है। बेटे मौज कर दी, शादी के दिन ही दूल्हा दुल्हन की गर्दन पर वाट लगा दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। अरे अरे, दुल्हन की खूबसूरती को देखकर तो ये लगता है भाई साहब की किस्मत चमक उठी, लेकिन ये क्या, दुल्हन तो माला पहनने के लिए तैयार ही नहीं है। खैर, जैसे तैसे करके दुल्हन के घर वालों ने उसे समझाया और उसे ने माला पहना दी। लेकिन जब हमारे गोली भैया की माला पहनाने की बारी आई तो उनकी होने वाली बीवी वहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करने लगी। ये तो दुल्हन के देवरों ने उन्हें वहाँ से भागने नहीं दिया और दुल्हन ने माला पहना दी, वरना शादी से पहले बीवी के पीछे दौड़ते दौड़ते ही महाशय का वेट लॉस हो जाता। अरे वाह, मिस्टर गंगू तेली ने तो अपनी दुल्हन के साथ ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन किया है और इनके दिमाग में यही चल रहा है कि बहुत हुआ इंतजार, अब दूरियां सही नहीं जा रही। इसी चक्कर में महाशय इतने उतावले होकर दुल्हन को माला पहनाते हैं कि माला दुल्हन के जगह जमीन पर जा गिरती है और सेकंड ट्राई में भी मिस्टर गंगू तेली पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। दुल्हन तो यही सोच रही होगी, ये किस भोंदूराम से शादी हो गई मेरी। जरा इन दूल्हे दुल्हन को देखिए, जिनको कैमरे वाले ने कहा पोज दो और बार बार कहकर एम्बेरेस कर दिया। और ये लोग इतने ज्यादा नर्वस हो गए कि जब इन्हें माला पहनाने के लिए कहा जाता है तब पहले तो दुल्हन बास्केटबॉल गोल करने की तरह माला को उछालते हुए दूल्हे के गले में डालती है, लेकिन गोल सही ना होने पर दूल्हे राजा भी स्वैग में आ जाते हैं और वो भी महिला को इस तरह से उछालते हैं कि वो दुल्हन के गले से होकर नीचे चली जाती है, जिसे दुल्हन साहिबा दुपट्टे की तरह बनाती रह जाती है। अरे बंटी भैया, माना कि आपकी लॉटरी लग गई है, लेकिन अगर आपके कारनामे ऐसे ही रहे तो फिर कंगाल होना तय है। कुछ लोगों में इतनी अकड़ होती है ना कि वो खुद को ईश्वर से बड़ा समझते हैं, और हमारे दूल्हे राजा उन्हीं में से एक है। जी हाँ, दुल्हन के माला पहनाने के बाद जब दूल्हे की माला पहनाने की बारी आई तो दुल्हन ने पीछे होकर दूल्हे को थोड़ा परेशान करना चाहा, लेकिन फिर अकड़ू जनाब ने कुछ उल्टा ही गांड कर दिया। इन्होंने गुस्से में होने वाली बीवी की जगह पास खड़ी महिला को माला पहना दी और गुस्से में दुल्हन को ताड़ते रहे। इन्हें कहते हैं उल्टी खोपड़ी वाले अकड़ू लोग। दोस्तों, हर दूल्हे का सपना होता है कि वो अपनी शादी में एक धमाकेदार एंट्री करे, लेकिन इस मॉडर्न युग में ये सपना अब दुल्हनों के दिलों में बसता है। इस क्लिप को देख लीजिए जिसमें दुल्हन SUV के बोनेट पर बैठकर हॉल में एंट्री करती है। हाल ही में पुणे में घटी इस घटना में दुल्हन ने फेस मास्क न लगाकर महामारी के नियमों का उल्लंघन करने के साथ बोनेट पर सवार होकर मोहतरमा ने मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का भी उल्लंघन कर दिया, जिससे उन पर केस दर्ज हो गया। लगता है मोहतरमा को पिया घर जाने की जल्दी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बीच में पुलिस स्टेशन का चक्कर लगाने का प्लान बना दिया। शादियों में कुछ ऐसे लोग ऐसी मजेदार डांस करते हैं कि उन्हें देख हम सभी हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। अभी नहीं, देख लीजिए महाशय इस मोहतरमा के घुटनों पर खड़े होकर नाच रहे हैं। इस अनोखे डांस की शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन फिर मोहतरमा नाचते हुए ऐसा स्टंट कर देती है कि महाशय मुंह के बल जमीन से टकराते हैं और अपनी जवानी की उम्र में ही अपने भतीसी को अलविदा कर देते हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं लोग? खैर, जहाँ से भी आए हैं, लेकिन ये बात तय है कि ये धरती से तो नहीं है। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें माला पहनाने के दौरान दूल्हे राजा को उसके दोस्त गोद में उठा लेते हैं, लेकिन दुल्हन साहिबा भी शातिर है, सोफे पर बैठ जाती है क्योंकि उसे पता है दूल्हे राजा पीछे पीछे आएंगे झक मार के। होता भी ऐसे ही है, दुल्हन को सोफे पर बैठा देख दूल्हे राजा दोस्त की गोद से जैसे उतरते हैं दुल्हन माला पहना देती है और दूल्हे के दोस्त देखते रह जाते हैं। आते ही भाभी जी ने अपने देवरों की क्या घनघोर बेइज्जती कर दी भाई, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब इस क्लिप को देखिए जिसमें दूल्हे राजा की बीवी शर्म के मारे इन्हें आधा लड्डू तोड़कर खिलाने के बजाय पूरा खिला देती है
और कड़ी मशक्कत के बाद ये लड्डू चबाने में कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब का बचपना शायद गया नहीं, इसलिए जनाब बीवी के ना करने पर भी उसके बालों से पकड़ कर उसे जबरन लड्डू खिलाते हैं। अबे ओ बावड़ी बूछ, इस स्वैग के चक्कर में अगर दुल्हन शादी के मंडप में ही छोड़कर चली गई ना, तो शादी के दिन ही डिवोर्स्ड हो जाएगा। अब इस शादी को देखिए, जिसमें शांत चल रही प्रार्थना के बीच दुल्हन अचानक से उठ जाती है और मजेदार पोज देने लगती है। फिर मोहतरमा अपने शौहर को गले भी लगाती है और तालियां बजाकर हंसती भी है और चुप दूसरों को करवाती है। बेचारे दूल्हे राजा अपनी बीवी की इस हरकत को देखकर कुछ सेकंड्स के लिए शॉक हो जाते हैं, लेकिन फिर खुद को जो है यही समझकर मुस्कुरा देते हैं। हम सभी के साथ लाइफ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है, लेकिन गुस्सा तो तब आता है जब इन घटनाओं की वजह से भरी भीड़ के बीच हमारा पोपट हो जाए। इस दूल्हे राजा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब उन्हें सोफे पर बैठने के लिए काफी इज्जत के साथ लाया गया, तब इनका भारी शरीर और हल्का सोफा बीच में आ गया, जिससे दूल्हे राजा सोफे के नीचे गिरे और इनकी इज्जत का भजिया तल गया। अब देश के इस गांव की शादी की रस्म देखिए, जिसमें गांव वाले और रिश्तेदार दूल्हे राजा को बिठाकर उसे बर्तन वगैरह गिफ्ट करते हैं। इसी रस्म के दौरान एंट्री होती है दूल्हे राजा की शरारती आंटी जी की, जो बर्तन दिखाते हुए अचानक से दूल्हे के कान के नीचे एक बजा देती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन दूल्हे राजा भी उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं और सभी बर्तनों के साथ खिसकते हुए जमीन पर आ गिरते हैं। अब तो नीचे गिरी आंटी को भी अपनी इस मजाकिया हरकत पर पछतावा हो रहा होगा। जो भी हो, लेकिन भाई मुझे तो ये देखकर बड़ा मजा आया। अगर आपको भी वीडियो देखकर मजा आया ना, तो जल्दी से लाइक कर दो। अब इन अंकल जी की डांस स्किल्स को देखिए। वाह अंकल जी, इनके सामने तो ऋतिक रोशन का डांस भी फेल है। लगता है पिछले जन्म में अंकल महान नर्तक रह चुके हैं। अब अंकल जी ने शहनाई सिर पर रखकर खुद ही अपने मुंह से शहनाई बजाते हुए हाथों से नागिन की तरह नाचना शुरू कर दिया। वाह क्या ठुमके हैं। लेकिन ये ठुमके शहनाई नहीं झेल पाए और नीचे गिरे। गजब है बेइज्जती भाई। लेकिन कुछ भी कहो, अंकल जी ने एंजॉय तो किया ना, इतना काफी है। अब इस क्लिप को देखिए, जिसमें शादी तो सुख चैन से हो गई, लेकिन जब भारतीयों का दूल्हा दुल्हन से मिलने का समय आया, तब शायद दूल्हे की गर्लफ्रेंड भी वहां पहुंची और कैमरे में फोटो खिंचवाने के बहाने दूल्हे के पास बैठकर अचानक से उसे किस करने लगी और बेचारे शादी में भयानक कांड हो गया। अब इस दूल्हे की वरमाला पहनने की स्टाइल को देखिए। भाई साहब, शादी कर रहे हो या लड़की पर एहसान? खैर, गौर से देखने पर मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी चुप रहकर लड़की इस नमूने पर एहसान कर रही है। बेटा घर जा तू, फिर देख स्वागरात के दिन तू कैसे झाड़ू से पिटता है। अरे वाह, अब इस दूल्हे राजा के नखरे तो देखो। बीवी मिठाई खिला रही है, फिर भी इन्हें तो भाव खाने। भाई भाव खाने से पहले दुल्हन के चेहरे के गुस्से को तो एक बार देख लो। चल छोड़, वैसे भी आज रात तेरे घर में भूकंप आने वाला है। पिटेगा भाई, तू बहुत पिटेगा। विदाई में वैसे तो सभी लड़कियों के आंसू बहते हैं, लेकिन इतनी खुशनुमा विदाई आपने पहली बार देखी होगी, जिसमें लड़की अपनी मम्मी से कह रही है, रोइए मत, मैं अभी रो नहीं सकती वरना मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। आप ही देख लीजिए क्लिप। इतने मुस्कुराहट से भरी विदाई देखकर मेरे दोस्त मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। साथियों, क्या आपको पता है शादी से पहले दुल्हन से झगड़ा होने पर दूल्हे का क्या हाल होता है? नहीं तो इस क्लिप को देख लीजिए, जिसमें होने वाले पति के आने पर दुल्हन खुशी से नाचने तो नहीं लगी, बल्कि मोहतरमा ने दूल्हे के मुंह पर ऐसे फूल दे मारे कि दूल्हे राजा सबके सामने शर्मिंदा हो गए। अच्छा हुआ यहाँ दीदी के हाथ में फूल की जगह जूता नहीं था, वरना अनर्थ हो जाता। महामारी के समय में क्लोज कॉन्टेक्ट से बचने के लिए इस शादी में नया तरीका खोजा गया, जहाँ हल्दी की रस्म में दुल्हनिया को दीवार रंगने के हैंड होल्ड रोल टूल से हल्दी लगाई जा रही है। सच में हल्दी लगाने की इस तरकीब के लिए इस परिवार का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल होना चाहिए। दोस्तों, अब जो फनी मोमेंट्स आपको दिखाने जा रहा हूँ, उसे देखने से पहले कोई कुर्सी है तो बैठ जाइए, नहीं तो हंसते हंसते लोटपोट जरूर हो जाएंगे। ये एक फोटोग्राफर दुल्हन का पोज में फोटो क्लिक कर रहा है, लेकिन वो इस खूबसूरत दुल्हन को देखकर इतना मगन हो गया कि दुल्हन के गाल को पकड़कर पोज देने को कहने लगा। इस मोमेंट को देखकर हमारे दूल्हे बाबा को गुस्सा आ गया और दे मारा गुस्सा। दूल्हे की इस हरकत को देखकर पास खड़ी दुल्हन को इतनी तेज हंसी आई कि लोटपोट होकर जमीन पे गिर गई। वाह जी वाह, इस फनी मोमेंट को देखकर मेरा तो दिन बन गया। अब वीडियो के आखिर में हम आपको एक प्यारी सी क्लिप दिखाना चाहते हैं, जिसमें शाम की शान दूल्हा और दुल्हन ऊंचाई पर बने स्टेज पर खड़े होकर एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, और आखिर में जब ये लोग नीचे उतर रहे हैं, तो एक साइड वजन होने की वजह से एक स्टेज झुक गया, लेकिन दूल्हे ने दुल्हन को बड़े प्यार से पकड़ लिया और ऐसे हुई इन दोनों के प्यार भरे सफर की शुरुआत। अपनी शादी में लड़कियां सजने सवरने में इतने पैसे खर्च कर देती हैं, जितने में हम लड़के 5-7 तक का सलून का खर्चा आसानी से चला सकते हैं।
ऐसे में दुल्हन को रोना आने पर मेकअप ना बिगड़े, इसके लिए आंसुओं को रोक कर रखना पड़ता है। अब जो लड़की रो नहीं रही, अगर आप उसको आशीर्वाद देकर उसकी हेयर स्टाइल बिगाड़ोगे तो सिर से हाथ उठाकर दूर फेंकना तो तय है।